तीज महोत्सव में दुकानें लगी हुई हैं, तो बच्चों की खेल खिलौनों की भी दुकान है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूं वो आस्था की खबर है। मैं खड़ा हुआ हूं आहार बाईपास समीप साईं बाबा मंदिर पर, जहां की तीज हरियाली महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे पीछे बैठी हुई है सीढ़ियों पर प्रांगण में काफ़ी सारी संख्या में महिलाएँ आ रही हैं, दुकानें भी यहाँ सजाई गई हैं उनके लिए। कहते हैं ये जो पर्व होता है, ये जो पर्व होता है महिलाओं का पर्व होता है, ये भी कहा जाता है कि सजना है मुझे सजना के लिए, ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं होती हैं सज संवर के आती हैं, और जो महिला जो मेला लगता है उसमें अपने मतलब उन साथियों के अपने दोस्तों के और अपने सहभागियों के साथ सेलिब्रेट भी करती हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि वो महिलाएँ बड़ा आनंद लेती हैं और बड़ा खुश महसूस करती हैं, जो कि शादियाँ होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन पहली बार जब यहाँ आती हैं सारे लोग सारे सहपाठी उनको यहाँ मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि पालिका की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है पानी से लेकर किसी भी चीज़ की। तो चलिए मेरे साथ मैं उन महिलाओं से भी आपकी बात कराता हूँ जो इस उत्सव को सेलिब्रेट करने आई हुई है। चलिए मेरे साथ। मेरे साथ मैं हरियाली तीज में हूँ और मेरे साथ एक सुहागन अभी शादी हुई है और चूड़ियाँ खरीद रही हैं। बताते हैं कि जो पर्व होता है सजने संवरने का पर्व होता है, महिलाओं का पर्व होता है, आप चूड़ियाँ खरीद रही हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में चूड़ियाँ खरीद रही हैं आप, दिखाई भी दे पा रही है। कैसा लगता है ये तीज महोत्सव जो होता है? बहुत अच्छा लगता है, और उसमें हरियाली तीज में हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ, और मतलब कि सारा मतलब कि कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब हरियाली तीज बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। और अच्छा, जैसा हम देखते हैं कि इसमें झूले का भी होता है, झूला भी झूला जाता है। अब आपके दौर में शायद तो झूला पहले थे, यहाँ पे पेड़ वगैरह थे तो उन पे झूला डलती थी। लास्ट टाइम आपने झूला कब झूला होगा आप ये बताओ? बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम, जब ये मंदिर नहीं था उस समय झूला डलने तब लगते थे, बट अब कुछ नहीं है। बता रहे हैं कि जो हम जब छोटे बचपन में आया करते थे तब झूले की व्यवस्थाएं भी हुआ करती थी और झूला भी झूला करते, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं उन जो हमारे चैनल के माध्यम से जो बहनें हमारी देख पा रही हैं, क्या वाकई तीज को सेलिब्रेशन करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अच्छा, जैसे ये भी कहा जाता है जो नई नवीनी दुल्हन होती है जो वापस ससुराल से महके में आती है उनकी खुशियाँ कुछ और होती हैं, और जो अभी ससुराल में ही है वो खुशी को कैसे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, वो मिस कर पा रहे हैं? हाँ, बहुत। बता रहे हैं कि जो अभी महके में ही ससुराल में ही है और महके नहीं पहुँची हैं, तो इस तीज को जो तीज का पर्व होता है महिलाओं का पर्व होता है उसको मिस कर पा रहे हैं। तो चलिए, हम चाहते हैं जो ससुराल में हैं बहनें वो वापस आएँ और अपने घर में और अपने जो शहर में और क्षेत्र में जो तीज महोत्सव होता है उसमें शामिल ज़रूर हो। तीज लेडीजों का त्यौहार होता है, तो ये सालाना यहाँ पर मेले का आयोजन? हाँ, हर साल आयोजन होता है, सब मनाते हैं। क्या कैसे मनाते हैं बताना आप, क्या होता है तीज मेले का? तो हम देख रहे हैं बड़ी भारी संख्या में यहाँ आए हुए हैं महिलाएँ आई हुई हैं। ये भोले जी और पार्वती के ऊपर तीज मनाते हैं ताकि सब में सुख शांति रहे, और ये तीज महिलाओं का त्यौहार होता है। ये महिलाएं पार्टी
एंड जो महिला संगीत होते हैं वो संगीत वगैरह मतलब गीत संगीत भजन करती हैं और झूला भी झूलती हैं। और जैसा कि आप देखना चाहते हो यहाँ पे मंदिर भी है और ये ठेले वेले सब चीज है, यही मेला होता है तीजों का। अच्छा, जैसे ये मेला का आयोजन सावन मास में ही होता है या? हाँ, ये सावन मास में होता है, तीज, हरियाली तीज, हरियाली तीज, हरियाली तीज के नाम से जाना। बता रही मैं महिलाओं से आपकी बात करा रहा हूँ क्योंकि ये महिलाओं का ही पर्व होता है और यहाँ सभी महिलाएं करती थी। और बता रहे हैं कि झूला जो होता है झूला भी डाला जाता है, क्या कह मैं देख पा रहा हूँ काफी संख्या में महिला आई हुई है, ये सालाना इसी समय होता है? हाँ, हर बार होता है, हर साल। अच्छा, इसकी मान्यता क्या होती है? भोले जी पार्वती। हाँ, भोले जी पार्वती जी के ऊपर बना जाता है, मतलब लेडीजों का ज्यादा, लेडीजों का मैक्सिमम पर्व होता है। हाँ, अरे इसको इसी महीने में मनाते हैं, ये भी बता। हाँ, इसी महीने मनाते हैं। मेरे साथ ये महिलाएं हैं जो कि बता रही हैं कि इस महीने में ही हम इस पर्व को मनाते हैं और भारी संख्या में है। और एक बताते हैं झूला भी तो होता है, झूला भी होता है इस पर्व में। तो जैसे हम देखते हैं, हम वीडियो में यूट्यूब पर भी देखते हैं, झूला भी होता है, झूले का। हाँ, झूला, झूलने का त्यौहार होता है। और सावन में अपनी ससुराल से आते हैं और वहाँ से सब लड़कियाँ इकट्ठे महीने इकट्ठा होकर तीज के त्यौहार को मनाते हैं। अच्छा, जो सावन जैसे जहाँ शादियाँ हो जाती हैं उसके बाद सावन में जो तीज पर अपने अपने तीज पे अपने यहाँ आते हैं और सब बहने मिल के ये तीज का त्यौहार मनाते हैं। पहली तीज। मैं शायद ये और बता दूं आपको क्योंकि जिनकी जिनकी शादियां होती हैं, जिनकी पहली तीज होती है, वो स्वयं अपने घर वापस आते हैं और इकट्ठा होकर एक तीज का पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। सात और महिलाएं हैं और जो कि तीज को सेलिब्रेट करने आए हुए हैं, साईं बाबा मंदिर पर हैं। क्या होता है तीज का पर्व, किस तरीके से मनाते हैं? तीज का त्यौहार लेडीजें सज सबर के एक मेले के आयोजन होता है, वहाँ पर जाती हैं और खाना पीना झूला वगैरह होते हैं सब करती हैं और घर में पकवान बनाती हैं, मौज मस्ती करती हैं और इंजॉय करती हैं। ये साल भर में एक बार आता है सावन के महीने में। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि गांव देहातों में तो हम पेड़ की छाएं होती है, वहाँ झूले भी होते हैं क्योंकि शहर है, तो क्योंकि यहाँ तो कोई झूला दिखाई नहीं दे रहा, तो गांव देहात में झूले का पर्व ज्यादा। हाँ जी, यहाँ गांव में तो पेड़ वगैरह पौधे होते हैं तो उन पे डाल लेते हैं झूले वगैरह, यहाँ पे शहरों में थोड़ा कम जगह होती है तो इसलिए झूलों का आयोजन नहीं हो पाता है। बता रहे हैं क्योंकि पहले भी यहाँ भी झूला पड़ा करते थे, इंक्रोचमेंट ज्यादा हो गया है, इस वजह से बिल्डिंगा बन गई है तो पेड़ पौधे है नहीं, तो इस वजह से जो रेडीमेड झूले होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको, एक सामने झूला चल रहा है बच्चों का, वहाँ झूला इसी होता है। मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन भी है क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके जीवन में कई बार ये तीज आया होगा। तो कैसा लगता है कि इस बार आपका फिर एक बार तीज आया है आपके? हाँ, सही आया है का, पर पहले झूला पड़ते थे, अब झूला नहीं पड़ते हैं और बाग भी थे पहले, अब है का स्थल वगैरह बन गए थे, पहले है का बहुत रौनक रहती थी। अच्छा, जैसे अब जैसे झूला नहीं है तो ये बच्चे शायद झूलों से अनभिज्ञ रहते हैं, तो ये कैसे सेलिब्रेट करते हो? अब सेलिब्रेट तो है का कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे सेलिब्रेट। बता रहे हैं कि पहले झूला हुआ करते थे, अब झूले नहीं है तो सेलिब्रेशन का जो मौका है एक शायद चूक हो रही है चूक। और लेकिन बाकी बता रहे हैं कि जो एक पर्व होता है, जो शादीशुदा जो हमारी बहनें होती हैं वो अपने घर आती हैं। अच्छा, इसमें एक बता देंगे, इस महीने में सिंदारा भी होता है कुछ? हाँ, सिंदारा भी होता है, बहन बेटी के यहाँ जाता है सिंदारा भी जाता है, वो भी इसी महीने में जाता है। हाँ, इसी महीने में जाता है, सावन के महीने में जाता है। बता रहे हैं कि रक्षाबंधन से पहले जाता है। बता रहे हैं कि सिंदारा भी होता है, वो भी इसी महीने में जाता है। लड़की सस्ती सवरती है मेरे साथ। अच्छा, कैसा होता है तीज, हम किस तरीके से मना सकते हैं? लड़कियां सस्ती सवरती हैं, झूला वगैरह झूलती हैं, नए नए कपड़े पहन के मेला देखने जाते हैं, इसी तरह से इसे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जैसे हम बार बार ये की सवाल कर रहे हैं क्योंकि साल हम यहाँ देख रहे हैं झूले का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, तो फिर झूले को मिस कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? यहाँ मार्केट टाइप में नहीं है, अगर अंदर बस्ती में जाकर है झूले हैं। बता रहे हैं हम झूला झूल के आए हैं क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ मेले का आयोजन है, लेकिन हम झूला अपने घर पर झूल कर आए हैं। बता रहे हैं सब लोग बता पा रहे हैं। और मैं पूछता समझता हूँ कि आपके जीवन में कई बार तीज आए, कई बार आपको मौका मिला होगा, और सबसे जिससे सवाल कर रहा हूँ सब बता रहे हैं कि तीज जो होता है महिलाओं को सजने संवरने का पर्व, झूले भी डाले जाते हैं, झूले भी होते हैं, तो इस बार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ही तीज का त्यौहार, और यहाँ पे सब बहनें आती हैं, लेडीजों का होता है, सभी इस महीने में झूले पे झूलते हैं, त्यौहार मनाते हैं, हरियाली तीज बोलते हैं इसको, सावन के महीने में होता है। अच्छा, जैसे ससुराल शादियाँ हो जाती हैं वो अपने मह के आती हैं उसके बाद ये? हाँ, सिंदारा होता है, सिंदारे के बाद में हरियाली तीज मनाने आती हैं, जब नवयुग शादियाँ होती हैं तो बेटियाँ अपने मायके में आती हैं, इस तरीके से त्यौहार ज़्यादातर बेटियाँ अपने मायके में आके मनाती हैं।
बता रहे हैं कि जो पर्व होता है हमारी बहन बेटियों का पर्व होता है, जो कि ससुराल जो जा चुके हैं और ससुराल के बाद उनको आने का अच्छा सा माहौल दिखाई देता है, क्योंकि एक जो पर्व लगता है मेले का जो आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ मेले का आयोजन किया जा रहा है ये कब से चल रहा है? ये कम से कम 25-26 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं ये, और उससे पहले से भी लगता था। यहीं पर लगता है। अच्छा, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ ऐसा कोई झूले का तो कोई प्रबंध है नहीं जो पुराने काल में हुआ। हाँ, पहले होता था, पहले अब से 10-12 साल पहले होता था, लेकिन अब नहीं है। अच्छा, जैसे आज बता रहे हैं झूले का भी एक अलग महत्व होता है, तो क्या आप झूल कर आए हैं आज? नहीं, आज नहीं झूले। बता रहे हैं कि झूले को मिस करा है, हमने झूले नहीं आए हैं। तो चलिए, मैं औरों से झूला होते थे, लेडीजें झूला झूलती थी, गाना गाती थी, लेकिन अब ये सब नहीं है। बता रहे हैं पहले कुछ चेंज हुआ है, नए दौर और नई सोच के बाद, लेकिन जो एक माहौल है हमने उसको सेलिब्रेट करना नहीं भूले हैं, 30 को आज भी मनाते। मेरे साथ सीनियर सिटीजन है, मैं उनसे भी पूछूंगा, आप भी झूले पर झूले होंगे कभी? झूले थे पहले, झूले थे, पर अब तो यहाँ झूला फूला कुछ भी नहीं है। अब तो ये गोल सा है, खाट सी की तरह, खाट पे झूल सकते हैं, अपने खाट पे भी झूल सकते हैं ना। अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस दो चार दुकानें लगाई, ये खा पी के चले जा घर। अच्छा, जैसे आज से पहले या एक आध दिन पूर्व में कहीं आप जैसे जाते हो? 25 साल पहले था मेला, पहले बाग था, बाग में कबड्डी होती थी और झूला भी झूलते थे, पहलवानी होती थी, तीज के वो अच्छा था, पर अब इतना खास नहीं है। इनाम घोषित किया जाता था उसको। अच्छा, उसमें इनाम भी मिलता है, इनाम घोषित किया जाता था। बता रहे हैं कि कोई एक टूर्नामेंट भी हुआ करता था, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो ये बस दो चार दुकानें लग रही हैं। अच्छा, जो आप पहले झूले को झूला करती थी, क्या आज झूले को मिस कर रही हैं? हाँ, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बता रहे हैं पुरानी बातों को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि उस समय झूले का बड़ा क्रेज हुआ। जो है नगर पालिका को थोड़ा सा जनता की उसमें देखते हुए उसको प्रबंध करना चाहिए था। बहुत अच्छी बात, गलती है इसमें नगर पालिका की, गलती है कि अगर वो अगर यहाँ प्रबंध नहीं है तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि जनता का ख्याल रखे। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि एक मैसेज भी जाना चाहिए, क्योंकि एक मांग भी करिए, क्योंकि नगर पालिका से अगर शायद इसकी देख रेख में मेले का आयोजन हो रहा है तो उनको यहाँ जो व्यवस्थाएं वो पूरी करनी चाहिए थी। जो एक झूले है जिस तरीके की रेडीमेड झूला होता है या कुछ ना कुछ ना उसका प्रबंध किया जाता, या जो वैसे झूले होते हैं जो कि शादियों में होते हैं, वो झूलों का प्रबंध करने के बाद इनका जो बच्चे आए हैं इनका मनोरंजन हो जाता है। बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी पालिका की ओर से कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे भी है, पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहना भी बात अच्छी भी है, क्योंकि ये मैसेज जरूर जाना चाहिए। मैसेज इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आज महिलाएं बड़ी भारी संख्या में एकत्रित हुई हैं और मैं समझता हूँ कि वो आ ही रही है। बजट आता है तो कम से कम 1% का बजट अगर यहाँ हो जाता तो ये महिला काफी खुश हो जाती। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से वो पालिका के सभी लोग, थोड़ा अच्छा भी लगता झूलने में। बता रहे हैं कि झूले का जो एक सपना था वो शायद हमारा सपना अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह गया वो तो।